अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। कल का जो टॉपिक पढ़ा था बेटा, अगर उसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग बता दें। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज क्रोजन एंड रस्टिंग, पेज नंबर 128। वालेकुम सलाम बेटा। पेज नंबर 128, और इसमें आज हम लोग बेटा पढ़ेंगे क्रोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। ये हमारा टॉपिक है। क्रोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। बेटा मुझे आप लोग ये बताएं, अभी तक ये चैप्टर जो कुछ पढ़ा है आप लोगों को उसकी समझ आई है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करना है, कैसे बताना है कि किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है, कौन सी सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सी सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट है, अभी आई थिंक बॉयज को लिंक नहीं सेंड हुआ तो वो भी क्लास में नहीं आए। बेटा हम ना इस चैप्टर में हमने जो पिछला टॉपिक जो पढ़ा था लास्ट, वहाँ तक ये शामिल था। पेज नंबर 121 तक जो पढ़ा था वो टॉपिक शामिल थे, और पेज 121 के बाद आप पेज 128 पे आ जाएंगे, इससे आगे सारा शामिल है। चीटिंग चीटिंग कोई नहीं होती बेटा, बस जो चीज़ें हैं तो वो करनी है। थोड़ा सा आज वैसे भी फ्राइडे है और अभी तक बॉयज़ को लिंक भी नहीं गया, तो जस्ट बेटा शॉर्ट क्वेश्चन ऊपर लिख लें जो आज हम डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 128 शॉर्ट क्वेश्चन लिखें बेटा, डिफाइन क्रोजन। एक तो लिखेंगे डिफाइन क्रोजन, एक लिखेंगे डिफाइन रस्टिंग। अच्छा बच्चों एक और बात, आज आप लोगों का केमिस्ट्री का टेस्ट है, एक बात का खास ख्याल रखना है, अटेम्प्ट कैसे करना है, पहले आप लोगों ने शॉर्ट ऊपर जो एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज की हेडिंग दे के एमसीक्यू वन का जो ऑप्शन है उसका डायरेक्ट ऑप्शन लिखें, बस पहले का सी ठीक है तो सी लिख दें, सेकेंड उसका अगर डी ठीक है तो डी लिख दें, थर्ड उसका जो भी ऑप्शन ठीक है वो लिख दें, और उसके बाद आप शॉर्ट क्वेश्चंस पे जाएं, शॉर्ट क्वेश्चन की प्रॉपर हेडिंग दें, कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन है, जो भी शॉर्ट, अगर वेपर प्रेशर की डेफिनेशन लिखनी है तो लिखें वेपर प्रेशर, एवेपोरेशन की डेफिनेशन लिखनी है तो एवेपोरेशन हेडिंग देके उसको कंप्लीट लिखें, और फिर आपका पेपर अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए।
या तो पेपर का फोटो कॉपी करवा लें, पहले प्रिंट निकलवा लें वैसे कर लें, अगर प्रिंट नहीं निकलवाना पॉसिबल नहीं है तो फिर इस तरह से एमसीक्यूज 1, 2, 3 और जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनको क्लियरली पेपर अगर अच्छा अटेम्प्ट होगा तो बेटा मेरे लिए चेक करने में आसानी होगी और आपको भी नंबर अच्छे मिलेंगे अदरवाइज। अच्छा तो एक शॉर्ट क्वेश्चन डिफाइन क्रोजन, एक शॉर्ट क्वेश्चन डिफाइन रस्टिंग, एक शॉर्ट क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंशिएट बिटवीन। बेटा ये रस्टिंग ऑफ आयरन लॉन्ग क्वेश्चन है, रस्टिंग ऑफ आयरन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वो हम उसको कल डिस्कस करेंगे, अभी इस टॉपिक के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो हम आज करते हैं क्योंकि वो कवर नहीं होगा अदरवाइज। डिफरेंशिएट बिटवीन क्रोजन एंड रस्ट, क्रोजन एंड रस्टिंग, क्रोजन और रस्टिंग के अंदर क्या फर्क है, और चौथा शॉर्ट क्वेश्चन जहां से बेटा आप लोग लिखेंगे नेसेसरी कंडीशंस फॉर रस्टिंग, इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर टू, व्हाट आर टू इंपॉर्टेंट टू इंपॉर्टेंट कंडीशंस फॉर रस्टिंग। ये चार लॉन्ग क्वेश्चन है, ये चार शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन है जो हम अभी आज डिस्कस करेंगे। वालेकुम सलाम अवैस बेटा, आप काफी दिनों के बाद क्लास में आए हो। आज हम पेज नंबर 128 पर क्रोजन एंड इट्स प्रिवेंशन बेटा डिस्कस करने जा रहे हैं। बॉयज बेटा मैं आप लोगों का वेट कर रहा था कि आप लोगों को लिंक पहुंचे और आप लोग क्लास में आए। पेज नंबर 128 क्रोजन का टॉपिक डिस्कस करेंगे आज। वैसे रस्टिंग ऑफ आयरन लॉन्ग क्वेश्चन है, डिफाइन क्रोजन राइट अ नोट ऑन रस्टिंग ऑफ आयरन, वैसे वो लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन को हम कल डिस्कस करेंगे। यहाँ से जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, ये चार शॉर्ट क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये मैंने बोर्ड पे लिख दिए, आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इनको वन बाई वन डिस्कस करते हैं, बुक आपके सामने होगी। पहले बेटा डिस्कस करते हैं क्रोजन को। बेटा अगर लोहे को जंग लग जाता है, इस बात का आपको पता होगा, बहुत कॉमन सी एग्जांपल है हमारे घरों में, आप लोग जहां पर भी गेट के नीचे अक्सर पार्ट्स पे जंग लगा होता है, कहीं पर भी कोई लोहे की चीज बाहर रख दें अगर रेनी सीजन में, या उसको पानी उसको गीला करके कहीं पे रख दें, उस पर पानी छिड़का छिड़क के उसको रख दें, तो आप देखेंगे कुछ अरसे के बाद उसको जंग लगा हुआ होता है, तो वो जो जंग है बेटा उसको कहते हैं रस्ट, उस जंग को क्या कहते हैं रस्ट। लेकिन मसला यह है कि जो रस्ट है, जो जंग है, वो सिर्फ लोहे को नहीं लगती, कोई भी मेटल एनवायरनमेंट में ओपन रख दें तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी सरफेस खराब होने लग जाती है। तो किसी भी मेटल का एनवायरनमेंट की वजह से जो खराब होना है वो कहलाता है क्रोजन, और अगर ये क्रोजन लोहे को लगेगी, आयरन को लगेगी, तो फिर उस क्रोजन को क्या कहेंगे, रस्टिंग कहेंगे। पेज नंबर बेटे 128 बिल्कुल स्टार्ट में मैं रीड कर रहा हूँ, साथ साथ में फॉलो करेंगे, और रिकॉर्डिंग नहीं की हमने लगता है, अच्छा हो रही है रिकॉर्डिंग। वालेकुम सलाम बेटा, तो पहला आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन लिखा पेज नंबर 128 के ऊपर, क्वेश्चन लिखा डिफाइन क्रोजन, और ये पहला क्वेश्चन डिफाइन क्रोजन मैं रीड कर रहा हूं, आप लोग साथ में फॉलो करेंगे बेटा। क्रोजन इज स्लो एंड कंटिन्यूअस ईटिंग अवे ऑफ अ मेटल बाय द सराउंडिंग मीडियम। कोई भी मेटल है उसको अगर आप इन्वायरमेंट में ओपनली रख दें, चाहे वो गोल्ड है, चाहे वो कॉपर है, चाहे वो जिंक मेटल है, सोडियम मेटल है, कोई भी मेटल अगर उसको इन्वायरमेंट में ऐसे ओपन रख दें, तो आहिस्ता आहिस्ता इन्वायरमेंट की वजह से जो उसकी सरफेस है वो खराब होने लग जाती है, तो इसी को कहते हैं, इसको कहते हैं बेटा स्लो एंड कंटिन्यूअस ईटिंग अवे ऑफ मेटल, कि आहिस्ता आहिस्ता मेटल की सरफेस खराब होती जाएगी, मेटल खत्म होती जाएगी, जैसे लोहा है ना बेटा, अगर लोहे को ऐसे रख दो तो उसकी सरफेस खराब होती लग जाती है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी सरफेस खराब होने लग जाती है, तो वो खत्म होने लग जाता है, इसे कहते हैं स्लो एंड कंटिन्यूअस ईटिंग अवे। तो क्रोजन इज द स्लो एंड कंटिन्यूअस ईटिंग अवे ऑफ अ मेटल बाय द सराउंडिंग मीडियम, और जो जो क्रोजन है बेटा, इट इज अ रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस बाय द एडिशन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर विद द मेटल, कि
कि अगर बेटा हवा हो, एयर शामिल हो और मॉइस्चर हो। मॉइस्चर क्या होता है? H2O के वेपर्स, पानी के वेपर्स अगर हवा में शामिल है उसे कहते हैं मॉइस्चर, नमी कहते हैं जिसको। तो जहां पर जब एयर के अंदर यानी कि हवा मौजूद हो, एयर से मतलब है ऑक्सीजन, O2 हो और मॉइस्चर हो, पानी अगर अवेलेबल हो, तो कोई भी मेटल है उसकी सरफेस खराब होने लग जाती है बेटा। इसको कहते हैं शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा। अभी बच्चा पूछ रहा है सर ये लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा। अभी पहले स्टार्ट में तो बताया है क्रोजन और जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन है, और इस टॉपिक में से जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, और पहले शॉर्ट क्वेश्चन पे टिक लगाया हुआ है कि हम पहला शॉर्ट क्वेश्चन देख रहे हैं डिफाइन क्रोजन, और 128 पर क्रोजन की हेडिंग से इसी का आंसर स्टार्ट हो रहा है कि किसी भी मेटल को एनवायरमेंट में रख दे तो उसकी सरफेस खराब होने लग जाती है बिकॉज ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। तो एयर और मॉइस्चर की वजह से वहां पे सरफेस क्यों खराब होती है? किसी भी मेटल को ओपनली रखे तो वो क्यों खराब हो जाती है उसकी सरफेस? वो ऐसा ऐसा ईटन अप होती जाती है बाय एनवायरमेंट, क्योंकि वहां पे रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा होता है, हवा के साथ मिलकर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हो रहा होता है, जिसकी वजह से मेटल आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लग जाती है, उसकी सरफेस डैमेज होना शुरू हो जाती है। तो ये कहता है इट इज अ रिडॉक्स रिएक्ट केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर विद मेटल्स। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ क्रोजन इज रस्टिंग ऑफ आयरन। तो जो क्रोजन की मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है वो क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन। तो यहां तक बेटा आप लोगों का एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, क्रोजन क्या है? क्रोजन इज द स्लो एंड कंटिन्यूअस ईटिंग अवे ऑफ मेटल बाय एनवायरमेंट। इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड मॉइस्चर। और इसकी एग्जांपल क्या हो जाएगी बेटा? रस्टिंग ऑफ आयरन इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ क्रोजन। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा, रस्टिंग क्या है? डिफाइन रस्टिंग। अब सेकेंड क्वेश्चन पे आ रहे हैं बेटा। पहला हमारा हो गया रस्टिंग, डिफाइन रस्टिंग। बहुत कॉमन सा आप लोगों को पता है बेटा कि आयरन को अगर हम ओपनली रख दें तो बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट उसकी सरफेस खराब होने लग जाती है। तो आयरन हम कहते हैं आयरन को क्रोजन लग गया है, तो जो आयरन मेटल का क्रोजन है उसका एक स्पेसिफिक नेम है, उसे कहते हैं रस्टिंग। तो पहली लाइन में डेफिनेशन लिखी हुई है बेटा रस्टिंग ऑफ आयरन में, पहले पैराग्राफ में आए, मैं रीड कर रहा हूं, फॉलो करेंगे साथ में। क्रोजन इज अ जनरल टर्म, किसी भी मेटल की सरफेस खराब होगी उसे क्रोजन कहते हैं, वो एक जनरल टर्म है। बट क्रोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। अगर आयरन पे स्पेसिफिक हम उसको देखें तो आयरन की जो सरफेस का खराब होना है उसे क्या कहते हैं? रस्टिंग कहते हैं। द इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर रस्टिंग इज मॉइस्ट एयर, एयर हैविंग वाटर वेपर्स इन इट। तो कौन सी इंपॉर्टेंट, ये साथ में लिखेंगे कि रस्टिंग की इंपॉर्टेंट कंडीशन कौन सी है बेटा? एयर Having water vapors, हवा हो और उसके अंदर water vapors हो, पानी के अंदर, हवा के अंदर नमी शामिल हो, तो rusting का process होता है, otherwise नहीं होता। There will be no rusting in water vapors free of air, यानी कि अगर water available हो, air available ना हो तो भी rusting नहीं होगी, और air free of water या फिर हवा हो और उसमें नमी ना हो तो फिर भी रस्टिंग का प्रोसेस नहीं होगा। ड्राई एयर में भी रस्टिंग का प्रोसेस नहीं होगा, और अगर मेटल को पानी के अंदर रख दे वहां जहां पे हवा ना हो तो वहां पर भी रस्टिंग का प्रोसेस नहीं होगा। तो रस्टिंग है क्या बेटा? क्रोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। एंड रस्टिंग के लिए जरूरी है दो कंडीशंस बेटा, वो नीचे क्वेश्चन में भी उनका जिक्र आएगा। तो अगर इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आए डिफरेंशिएट बिटवीन क्रोजन एंड रस्टिंग, तो फिर आप लोग एक तरफ क्रोजन की डेफिनेशन लिख देंगे, दूसरी तरफ रस्टिंग की डेफिनेशन लिख देंगे, तो ये आप लोगों का ये तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन क्रोजन एंड रस्टिंग, डिफरेंशिएट बिटवीन क्रोजन एंड रस्टिंग। और नेक्स्ट है बेटा टू इंपॉर्टेंट कंडीशंस फॉर रस्टिंग, कोई से दो कंडीशंस, तो कौन सी है रस्टिंग के लिए? तो उसका आंसर बेटा इसी रस्टिंग ऑफ आयरन पहली लाइन के आखिर में लिखा हुआ है, द इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर रस्टिंग इज, आप लिखोगे इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर रस्टिंग आर, पहला पॉइंट एयर और दूसरा पॉइंट मॉइस्चर। टू इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर एयर और वो क्या है? मॉइस्चर। जी मैं दोबारा बता देता हूँ, डिफाइन रस्टिंग। पहला तो आप लोगों ने क्रोजन सब बच्चों ने मार्क कर लिया, फिर रस्टिंग का पहला पैराग्राफ की तीनों लाइनें हैं, रस्टिंग लिखा हुआ है ना बेटा, रस्टिंग ऑफ आयरन
तो स्टार्ट से पहला पैराग्राफ की तीनों लाइन उसमें आएगी कि क्रोजन इज अ जनरल टर्म से लेकर फ्री ऑफ वाटर तक वो सारा किसमें आ जाएगा, डिफाइन रस्टिंग में आ जाएगा। और फिर उनका डिफरेंस करना हो तो भी फिर आप दोनों पॉइंट को, एक तरफ क्रोजन को डिफाइन कर देंगे, दूसरी तरफ रस्टिंग को डिफाइन कर देंगे। और टू इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर रस्टिंग, तो आप लिखेंगे कि टू इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर रस्टिंग आर नंबर 1 एयर एंड नंबर 2 मॉइस्चर। देयर विल बी नो रस्टिंग इफ आइदर ऑफ दीज टू इज नॉट प्रेजेंट। अगर एयर प्रेजेंट नहीं है तो भी रस्टिंग नहीं होगी, अगर मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं है तो भी रस्टिंग नहीं होगी। रस्ट के लिए, जंग लगने के लिए इन दोनों का होना जरूरी है। और ये इन दोनों का क्या किरदार है वो हम कल डिस्कस करेंगे, बाकी ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है तो लॉन्ग क्वेश्चन को भी जब हम कल स्टार्ट करेंगे तो यही सारी चीजें डिफाइन करेंगे, क्रोजन क्या होता है, रस्टिंग क्या होता है, और रस्टिंग के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या से हैं, क्या है, और फिर कौन सा प्रोसेस होता है कि रस्ट किसी भी मेटल को रस्टिंग होती है, तो वो कंडीशंस भी कल डिस्कस करेंगे। यहाँ तक बेटा आप लोगों का टॉपिक क्लियर है, बता दे मुझे अगर किसी को समझ नहीं आई तो भी बता दे। अच्छा मुझे अब ये बताओ, असाइन होमवर्क किया था आप लोगों को, कल मैंने होमवर्क असाइन किया था, कुछ क्वेश्चन मैंने कहा था करने हैं वो किए हैं, वो मैं करवा देता हूँ, अगर नहीं किए तो मैं दोबारा भी एक बार वही समझा देता हूँ। आप लोग, टाइम है हमारे पास अभी 5-6 मिनट हैं, तो मैं वही एग्जाम्पल एक और करवा देता हूँ। पेज नंबर आप लोग बेटा आ जाए 120 पर, पेज 120 पर आ जाए जी। बेटा जैनब बताएं, क्रोजन बता दे बेटा। अगर तो आयरन को ओपनली एयर में रखते ना तो आयरन की सरफेस खराब होती है तो उसे रस्टिंग कहते हैं। तो कोई और कोई भी मेटल हो, आयरन हो, गोल्ड हो, कॉपर हो, सिल्वर हो, किसी भी मेटल को अगर एनवायरनमेंट में रखते हैं तो उसका जो डैमेज होना है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना लग जाती है, एनवायरनमेंट के साथ रिएक्शन करके उसका आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म होने लग जाती है, डैमेज होना शुरू हो जाती है उसकी सरफेस, तो उसको कहते हैं क्रोजन कहते हैं। स्लो एंड कंटिन्यूअस ईटिंग अवे ऑफ मेटल, कि कोई भी मेटल है वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी सरफेस से जब रिएक्शन होते जाएंगे उसकी सरफेस खराब होती जाएगी, उखड़ती जाएगी, तो हम कहेंगे स्लो एंड कंटिन्यूअस ईटिंग हो रही है, खत्म हो रहा है, जो एनवायरनमेंट है वो मेटल को खाता जा रहा है। स्लो एंड कंटिन्यूअस ईटिंग ऑफ मेटल बाय सराउंडिंग इज कॉल्ड क्रोजन। बेटा इस वजह से होती है, अभी तो बताया था एयर और मॉइस्चर, हवा के अंदर मौजूद है बेटा ऑक्सीजन, ठीक है, और यहाँ पे क्या मौजूद है, H2O भी मौजूद है। जब ये किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है, मेटल के एटम के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी तो इलेक्ट्रॉन को इधर ट्रांसफर होंगे, इधर ट्रांसफर होंगे, कहीं पे ऑक्सीडेशन होगी, कहीं पे रिडक्शन होगी, तो न्यू कंपाउंड्स बनेंगे जिससे बन जाता है बेटा आयरन होता है असल में Fe2O3, जो आयरन था वो ऑक्सीजन के साथ मिलके Fe2O3 बना देता है। तो आयरन तो खत्म हो गया ना, अब आयरन का ऑक्साइड बन गया है, तो आयरन आहिस्ता आहिस्ता आयरन जो था वो इसमें कन्वर्ट होता जाएगा, तो खत्म होता होना लग जाएगा। तो रस्टिंग किस वजह से होती है, वो ऑक्सीजन और वाटर की वजह से होती है, कि वो रिएक्ट करने लग जाते हैं मेटल के एटम्स के साथ और मेटल एटम जो है वो किसी और सब्सटेंस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। ये कल डिस्कस करेंगे बेटा इसको डिटेल के साथ। बेटा पिछले सारे लेक्चर अपलोड किए हुए हैं, आज का लेक्चर बस खत्म होगा तो ये भी अपलोड हो जाएगा, बाकी सारे लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। ये बेटा मैं रेज कर रहा हूँ ये क्वेश्चंस, और कल वाली एग्जांपल दोबारा करवा देता हूँ। पेज नंबर 120 पर आओ, पेज 120, और टेस्ट योर सेल्फ उसका बेटा क्वेश्चन नंबर है 4, जरा एक बार रीड कर लो क्वेश्चन नंबर 4 को, एक बार रीड कर ले बेटा। एक मिनट कहाँ से है बेटा, हाँ 2 मिनट 3 मिनट है बेटा, 1-2 मिनट और ले लेंगे, कोई मसला नहीं है। कहता है बेटा व्हाई द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन एक्सप्लेन विद रीजन। ये रिएक्शन है NaOH प्लस HCl, इनके रिएक्शन से बन रहा है NaCl प्लस
H2O, उसने कहा है ये बेटा जो पढ़ा है तो सब इंक्लूड है, उसने ये कहा है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, क्यों नहीं है आप रीजन के साथ बताएं। तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि उसने जब खुद बता दिया है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, तो इसका मतलब है इस रिएक्शन में ना तो किसी एटम की ऑक्सीडेशन हो रही है और ना ही किसी एटम की रिडक्शन हो रही है। देखिएगा बेटा यहां पर सोडियम ग्रुप 1 से बिलोंग करता है तो ऑक्सीडेशन नंबर +1, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होता है +1, और ऑक्सीजन का क्या होता है -2, तो +1 एंड +1 +2 हो जाएगा और ये -2, तो ओवरऑल NaOH क्या है एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। अच्छा हाइड्रोजन का बेटा +1 होता है, क्लोरीन का -1, ये भी ओवरऑल एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। अब प्रोडक्ट वाली साइड पे आ जाए, सोडियम ग्रुप 1 से बिलोंग करता है तो ऑक्सीडेशन नंबर +1 और क्लोरीन का फिर क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे -1, ऑक्सीजन का बेटा क्या होता है -2 और हाइड्रोजन का क्या है +1 और कितने एटम है 2 एटम है। अब सिर्फ ये देख के बताएं कि यहां पर कौन सी सब्सटेंस जो है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है। इधर देखिए क्लोरीन -1 था, यहां पर भी क्लोरीन -1 है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सोडियम को देखें +1 था, यहां पर भी +1 है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऑक्सीजन को देखिए -2 था, इधर भी -2 है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाइड्रोजन इधर +1 है, इधर भी +1 है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो किसी भी एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही, तो हम कहेंगे एज नन ऑफ द एटम, एज देयर इज नो चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एटम, सो वी कैन से इट इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन एज नाइदर ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस नॉर रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस। तो ये बेटा आप लोगों का क्या था होमवर्क था, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़ बेटा।